नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था, किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर वर्ड्स को टू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। जैसे प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स को नेम दोगे या कीवर्ड्स प्लस यूजर डिफाइंड वर्ड्स को कंसीडर करेंगे एज आइडेंटिफाइज। नेक्स्ट डिस्कशन अबाउट कीवर्ड्स इन जावा। जनरली जावा के केसेस में बात करें, टोटली 53 कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स अवेलेबल। जनरली इसको मैं कंसीडर करूंगा एज रिजर्व वर्ड्स इन जावा। इस जावा के अंदर टोटल रिजर्व वर्ड्स कितने हैं? देयर आर 53 वर्ड्स आर रिजर्व्ड। इस रिजर्व तो है, इसके इसका मीनिंग क्या है, 53 वर्ड्स कभी भी एज आ प्रोग्रामिंग लेवल पर एज आ आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड नेम्स यूज करना पॉसिबल नहीं है। इन 53 के केसेस में करंटली एज आ वेरिएबल नेम और मेथड नेम या क्लास नेम असाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। टोटल वर्ड्स कितने? देयर आर 53 वर्ड्स। आउट ऑफ देम सम वर्ड्स आर कीवर्ड्स एंड सम वर्ड्स आर रिजर्व्ड लिटरल्स। रिजर्व्ड लिटरल और लिटरल वैल्यूज टोटल कितने? 53। लेकिन कीवर्ड्स एग्जैक्टली कीवर्ड्स कितने जावा के इसमें? 50। आउट ऑफ देम 3 आर रिजर्व्ड लिटरल्स। लिटरल्स जनरली कंसिडर होते हैं एज अ वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यूज किया लाइक 10, तो इसके इसमें 10 क्या है? इंटीजर लिटरल। 2.5 इज अ डबल लिटरल। ए इज अ कैरेक्टर लिटरल। ए बी सी, हियर ए बी सी इज अ स्ट्रिंग लिटरल। सेम एज आपने देखा हो, जैसे मैंने डिस्कस किया था, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा डेटा टाइप। जावा के स्पेशली न्यू डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुआ है एज अ बुलियन। तो बुलियन टाइप के वेरिएबल्स में पॉसिबल वैल्यूज क्या आसान होंगे? आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इसके इसमें ट्रू और फॉल्स किसी स्पेसिफिक पर्पज से एसोसिएट नहीं, मीन्स इनका किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी से कोई रिलेशन नहीं, मीन्स इन टू वर्ड्स को कंसिडर किया जाता है एज अ वैल्यूज और बूलियन लिटरल। नेम के जिस टाइप से 10 क्या इंटीजर लिटरल, सिमिलरली ट्रू और फॉल्स क्या बूलियन लिटरल। सेम एज आपने देखा था, किसी भी क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में नल असाइन करना पॉसिबल है। नल क्या है? नल इज आर रेफरेंस्ड लिटरल्स। दीज आर 3 आर रिजर्व्ड लिटरल्स। रिजर्व्ड लिटरल्स कितने हैं? 3। कीवर्ड्स कितने हैं? 50। कीवर्ड्स के केसेस में कीवर्ड्स को अगेन टू कैटेगरी में डिवाइड किया है। मीन्स जावा के केस में टोटल रिजर्व्ड कीवर्ड्स कितने हैं? 50। आउट ऑफ देम यूजेबल कीवर्ड्स कितने हैं? मीन्स अगेन यूज करने के बेसिस पर या फिर अवेलेबिलिटी के बेसिस पर बात करें तो कीवर्ड्स को अगेन टू कैटेगरी में डिवाइड किया, यूज्ड कीवर्ड्स और अनयूज्ड कीवर्ड्स। नेक्स्ट वन, यूज्ड कीवर्ड्स एंड अनयूज्ड कीवर्ड्स इन जावा। इस करेंट सेशन में जस्ट सिलेबस कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सप्लेन करना, जनरली सारे थिंग्स ऑलरेडी आपके लिए नॉन, लेकिन स्पेशली जावा के केसेस में टोटल कीवर्ड्स कितने हैं? 53, जबकि सी के केस में कितने थे टोटल? 32। सी प्लस प्लस के केस में 48, बट इन जावा 53। 53 में से आपके लिए एग्जैक्टली कीवर्ड्स कितने हैं? 50। में से यहाँ जो डिवीजन परफॉर्म हुआ रिजर्व्ड लिटरल और कीवर्ड्स, ये डिवीजन किसके बेसिस पर हुआ? बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज और बेस्ड ऑन वैल्यूज। इस आउट ऑफ देम 3 लिटरल्स, मीन 3 कीवर्ड्स को और 3 रिजर्व्ड को एज अ वैल्यू और लिटरल वैल्यू यूज करना पॉसिबल है। रिमेनिंग्स कैसे हैं? सम रिमेनिंग कीवर्ड्स आर एसोसिएटेड विद सम कंपाइलर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज। देन अगेन 50 में से यूज्ड कीवर्ड्स कितने आपके? ओनली 48। अनयूज्ड कीवर्ड्स कितने हैं? 2। अनयूज्ड मीन्स इनको यूज करना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी इनका टाइप कंसिडर होता है कीवर्ड्स इन जावा। फॉर एग्जांपल्स गो टू। गो टू इज अ आउटडेटेड कीवर्ड, देयरफॉर इट इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा। जावा केस में गो टू को प्रोग्रामिंग लेवल पर यूज करना पॉसिबल नहीं, लेकिन इसके अलावा फिर भी इसका टाइप क्या आएगा? रिजर्व्ड्स। रिजर्व्ड्स मीन्स गो टू को प्रोग्रामिंग कहीं भी इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं जावा, लेकिन फिर भी किसी वेरिएबल का नेम एज अ गो टू क्रिएट करना पॉसिबल, ये कंप्लीटली डिक्लेरेशन कैसा हुआ? इनवैलिड। सेम एज कॉन्स्ट, जैसा कि आपने देखा था सी और सी प्लस प्लस के अंदर कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया करते थे ऑलवेज कॉन्स्ट कीवर्ड, लेकिन जावा के इसमें कॉन्स्ट का अल्टरनेटिव कीवर्ड और यूज्ड कीवर्ड अवेलेबल है एज अ फाइनल।
नहीं, जब भी आपको जावा में कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होगा, डिक्लेरेशन प्रोवाइड करेंगे यूजिंग फाइनल कीवर्ड्स। नेक्स्ट लिस्ट में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा दीज आर 40 कीवर्ड्स और टोटल कीवर्ड्स अवेलेबल इन जावा एसोसिएट विद कैटेगरी वाइज इट्स फंक्शनैलिटीज़।